जय माता दी दोस्तों, स्पिरिचुअल ध्यान चैनल में आप सबका स्वागत है। आशा करता हूँ कि सावन का आखिरी सोमवार आपके लिए बहुत अच्छा हो और बहुत अच्छा बीता हो। तो आज मैं आपके लिए थोड़ी जानकारी लेकर आया हूँ और साथ ही एक साधना लेकर आया हूँ। जानकारी है कि पिशाच और पिशाचिनी क्या है। पिशाच लोग कई बोलते हैं, नर पिशाच साधना, नर ये पिशाचिनी साधना। तो ये पिशाच होते क्या हैं और पिशाचिनी क्या है? आपने देखा होगा शमशान में कई ऐसे लोग रहते हैं जो वहाँ पर स्वयं सिद्ध होकर मर जाते हैं। स्वयं सिद्ध होकर मर जाना, जैसे मैं या आप या कोई भी एक तांत्रिक है या भगत है, उसको अगर मार कर दफना दिया गया है, जला दिया गया है किसी भी धर्म के द्वारा, और उसे अगर सिद्ध एक अवस्था में उसकी ऊर्जाओं का काम लिया जाए, काम किया जाए और उसको अभिमंत्रित किया जाए, तो वो पिशाच बनता है। जहाँ तक आप देखेंगे शमशान में जो भी पीपल का पेड़ है या बबूल का पेड़ पास है, वट का पेड़ है, उसमें इसका स्थान होता है। बरगद का पेड़ है तो वहाँ इसमें इसका स्थान होता है पिशाच और पिशाचिनी का। तो पिशाच सिद्धि करता क्या है? पिशाच सिद्धि एक इत्र योनि की साधना है, इत्र योनि की साधना है। और इत्र योनि की साधनाओं का आपको पता है प्रतिफल क्या होता है, और इत्र योनि की साधनाओं से आप फ़ायदे ले सकते हैं। और पिशाच सिद्धि कैसे करनी है, अब ये आप जानें और समझें। बुधवार या फिर शनिवार को आपको ये साधना स्टार्ट करनी है। 21 दिन की ये साधना है, 21 दिन में पिशाच सिद्ध होगा आपका। सिर्फ और सिर्फ आपको मंत्र 29 बार पढ़ना है, सिर्फ मंत्र 29 बार पढ़ना है। मंत्र संस्कृत है, मंत्र कोई शाबर कोई डाबर नहीं है। इसमें पिशाच का या फिर पिशाचनी का जो आपको करना हो, दोनों का प्रत्यक्षीकरण होगा। तो पिशाच का पहले मैं मंत्र बताऊंगा थोड़ा सा। ओम प्रत प्रत फट फट हु हु तर्ज विजय विजय प्रतिहत कुट विसुर। आगे बता नहीं सकता, आखिर का है मंत्र अनय पच पच चल स्वाहा, और ये पिशाच का मंत्र है। पिशाचनी का है ओम हु फट ओम भौम पिशाच भिंद भिंद छिंद लह दह पच पच, आखिरी का है हु हु स्वाहा। तो मंत्र बीच का गुप्त रखा गया है। अब आपको देखना क्या है, दिशा क्या होगी। पहले जो आपको करना है, सबसे पहला काम, बुधवार या फिर शनिवार को ये साधना स्टार्ट करें। शमशान में काला आसन, काले कपड़े लेकर, अगरबत्ती या फिर धूप लेकर, सरसों का तेल लेकर, जो उच्चिष्ट मुख रहेगा उत्तर मुख में रहेगा, और रुद्राक्ष की माला एक ले लें। गुरु मंत्र आप कर लें अच्छे से, क्योंकि गुरु मंत्र ही आपका कीलन में काम करेगा। आसन जमा करके पेड़ के नीचे अगर आप बैठ सके तो पेड़ के नीचे बैठ जाएं, या फिर शमशान की चिता के पास बैठ सके तो चिता के पास बैठ जाएं। अगर ये दोनों भी नहीं हो पा रहा तो शमशान का एकांत कोना पकड़ लें। आप विधिवत सबसे पहले चौकी लगा लें अपने आजू बाजू, धार से, शराब से या पानी से या चाकू से चौकी लगा लें। पूरा सामान रख लें, गूगल रख लें, धूप रख लें, थोड़े से अगर हो सके तो जासमन के या चमेली के फूल रख लें, और अगर सरसों का तेल आप ले लें और चार मुखी दिया एक जलाएं बाबा भैरव के नाम से, ताकि वो इन सब चीज़ों को आप पर जितनी भी नेगेटिव एनर्जी जो आपके ऊपर आने वाली है वो ख़त्म कर दें, और एक दिया उत्तरमुखी जला दें पिशाच या पिशाचिनी के लिए। अब उसके बाद आपको करना क्या, शमशान में बैठ कर इसका 29 बार सिर्फ मंत्र पढ़ना है 21 दिन तक, ब्रह्मचार का पालन करना है। और जैसे ही 29 बार आप मंत्र पढ़ेंगे आपको अनुभव होना चालू हो जाएंगे। मैं अपने अनुभव इसमें शेयर करना चाहूँगा कि मेरे अनुभव बहुत ही अलग थे। मुझे काले साए, काले कपड़े, काले जो पिशाच थे, जैसे उनका भेष होता है वो स्वरूप में उन्होंने मुझे अपना कवच दिखाया था कैसे दिखते थे। तो पिशाच साधना अगर आप कर रहे हैं तो आप सबसे पहले ये करें कि आप अपने गुरु की आज्ञा से करें, गुरु की आज्ञा के बिना ये साधना ना करें। तो अगर आपको साधना चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर, हमारे फेसबुक में, हमारे किसी भी लिंक से आप क्लिक करके और हमसे सहायता ले सकते हैं, ये साधना ले सकते हैं। और अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और वीडियो जरूर शेयर करिएगा। जय माता दी।